आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट का इंतजार सरकार से लेकर आम लोगों तक को था और शायद इसी कारण सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि इस बजट को सुनने के लिए संसद की गैलरी भी भीड़ से भरी हुई थी। और वित्त मंत्री की बेटी और रिश्तेदार इस बजट को बहुत ही गौर से सुन रहे थे। आपको बता दी कि एक महिला वित्त मंत्री होने के लिहाज से यह बजट निर्मला सीतारमण के लिए बहुत खास था, इसलिए इस खास बजट को देखने के लिए रिश्तेदारों के साथ साथ कई मंत्रीगण भी पहुंचे थे। खास इस बजट को इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि यह उनका पांचवा और देश का 75वां बजट था। बजट की घोषणा करते समय बेटी वांग्मयी पराकाल और रिश्तेदारों के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संसद के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल थे। यही नहीं, रेल मंत्री और सदस्यों ने बजट के महत्वपूर्णता को समझते हुए उनके कई पहलुओं को अपने नोटपैड पर नोट भी किया। आपको बता दूं कि इस बार का बजट भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब में बदलाव किया और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट गांव, गरीब और किसान का बजट है। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देता हूं, ये बजट मजबूत नींव का निर्माण करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।